नींबू नींबू नींबू, हर तरफ नींबू ही नींबू बिखरा पड़ा है। जिधर देखेंगे, जहां देखेंगे आप, हर जगह आपको नींबू ही नींबू दिखाई देगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि कितनी दूर तक ये नींबू बिखरा पड़ा है, इतने सारे नींबू आखिर आया कैसे, ये नींबू की बारिश कितनी दूर तक हुई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये नींबू की बारिश हुई कहाँ से है। ये देखिए, यहाँ से हुई है ये नींबू की बारिश। नमस्कार दोस्तों, हम और हमारा गार्डन में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये हमारा 4 साल पुराना नींबू का पेड़ है और आप देख सकते हैं इस तरह से इसमें नींबू लटका हुआ है और पूरी तरह से ये नींबू पक चुका है, पूरी तरह से ये पीला हो चुका है और ये नींबू की बारिश यहीं से हो जाती है। ये देखिए, जरा सी हवा चले तो भी ये नींबू की बारिश हो जाती है, हवा ना चले तो भी नींबू की बारिश हो जाती है। तो इतने सारे नींबू लगे कैसे, कैसे इतना सारा फल लगा, और ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ 30% है, 70% नींबू की हार्वेस्टिंग हो चुकी है या फिर ये टूट टूट कर पक्के इस तरह से गिर चुका है। एक दिन में इस नींबू के पेड़ से 10 से 12 किलो नींबू हार्वेस्टिंग की जाती है। अगर एक दिन आपने नींबू हार्वेस्ट नहीं किया तो इस तरह से नींबू 10 से 12 किलो अपने आप ही गिर जाता है, और गिरना लाजमी है कि जब फल इस तरह से पक जाएगा, पूरी तरीके से मैच्योर हो जाएगा, तो ये टूट के गिरेगा ही गिरेगा। तो हमारी मजबूरी है कि इससे या तो पर डे 10 से 12 किलो नींबू हार्वेस्ट करूं, या अगर एक दिन हार्वेस्ट करना छोड़ दूं तो 10 से 12 किलो नींबू हमें नीचे से चुनना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर नींबू की बारिश हो जाती है। और इतने सारे नींबू सिर्फ इस सीजन में नहीं बल्कि पूरे साल इस पर लगा हुआ रहता है। मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये देखिए, आप यहाँ देख पा रहे हैं कुछ नींबू अभी इस पर मैच्योर होने वाला है, कुछ छोटे छोटे दाने भी आपको दिखाई देगा। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसी तरह से पूरे साल इस पर इतनी ज्यादा संख्या में नींबू हमेशा लटका हुआ रहता है। कैसे इस पर इतने ज्यादा संख्या में फल लगता है, कौन सी वैरायटी है, क्या केयर करता हूँ और कौन सा फर्टिलाइजर डालता हूँ जिसकी वजह से इस नींबू के पेड़ पर इतने ज्यादा संख्या में आपको फल दिखाई दे रहा है, इस पर मैं आगे पूरी डिटेल से बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं इन सारे नींबू को चुन लेता हूँ और चुन के आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि एक दिन में नींबू के पेड़ से टूट कर बारिश जो हुई है वो कितने नींबुओं की हुई है। ये देखिए, सारे नींबुओं को चुनने के बाद इतना सारा हुआ है, ये टब हमारा नींबू से खचाखच भर चुका है, और आप इससे अंदाजा लगाएं कि ये 7 से 8 किलो नींबू तो होगा ही होगा, या आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने किलोग्राम नींबू होगा और इसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी। और मार्केट में आपको इस तरह का नींबू बहुत कम मिलेगा, क्योंकि ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक नींबू है और ये पूरी तरह से पका हुआ होने की वजह से इसमें जूस भी बहुत ज्यादा आपको मिलेगा। अब मैं अपने यहाँ की बात करूँ तो यहाँ नींबू बाई वेट नहीं बिकता है, यहाँ पीस के हिसाब से नींबू बिकता है। आप बताएं, आप कहाँ से हमारा ये वीडियो देख रहे हैं और आपके वहां पर अभी नींबू क्या रेट चल रहा है, और पीस के हिसाब से या बाई वेट, हमें कमेंट करके जरूर बताएं जिससे हमें मार्केट वैल्यू का पता चले। दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं, अभी थोड़ी देर पहले ये नींबू जो यहाँ पर बिखरा हुआ पड़ा था, ये मेरी लापरवाही की वजह से नहीं था। असल में हमारे यहाँ पर कल बारिश हुई थी और बारिश होने की वजह से मैं यहाँ तक नहीं आ पाया और नींबू इसी तरह से चारों तरफ बिखर गया। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जरासी हवा चले या बारिश हो तो नींबू बहुत ज्यादा संख्या में नीचे गिर जाता है, क्योंकि नींबू पूरी तरह से पक चुका है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि रोज 10 से 12 किलो नींबू इससे हार्वेस्ट कर लेता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कौन सी वैरायटी के नींबू है जो आपको इस तरह से लटकते हुए बड़े बड़े साइज के पके हुए फल दिखाई दे रहा है। तो ये 12 मासी कागजी नींबू है। 12 मासी का मतलब है कि पूरे साल आपको इसी तरह से नींबू लगा हुआ मिलेगा, बस फर्क इतना होगा किसी सीजन में बहुत ज्यादा संख्या में नींबू मिलेगा और किसी सीजन में थोड़ा कम, लेकिन पूरे साल आपको नींबू की कमी नहीं होने देगा, जैसा कि आप अभी इस वक्त देख पा रहे हैं। और इस नींबू के पेड़ पर मैं कई वीडियो बना चुका हूं, जो वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, कितने नींबू चाहिए हमारे पास आइए, इस तरह का टैगलाइन रहा है मेरे वीडियो में, और लोगों के रिएक्शन आए कि मैं नींबू खरीद के दिखाता हूँ। जी हाँ दोस्तों, सही फरमाया आपने, मैं नींबू खरीद के दिखाता हूँ और आपको ये भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं नींबू कहाँ से खरीदता हूँ।
ये देखिए, मैं नींबू यहां से खरीदता हूँ, इस पेड़ से, ये हमारा पेड़ है और यहीं से मैं नींबू खरीदता हूँ। कितने नींबू चाहिए हमारे पास आइए, मैं इसकी केयर और फर्टिलाइजर के बारे में भी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको आज से 70 दिन पीछे लेकर जाना चाहता हूँ। जी हाँ, बात 1 जून की है। 1 जून की रात हमारे यहाँ पर बहुत जोर बारिश और तेज आंधी आई और उस आंधी में ये नींबू का पौधा जड़ सहित पूरी तरीके से उखड़ कर गिर गया, जो पूरी तरह से फल लगा हुआ था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 70 दिन पहले भी इस पर नींबू लगा हुआ था, लेकिन वो नींबू एक भी इसमें निचोड़ नहीं हुआ था, लेकिन पूरा पौधे में नींबू इतने ज़्यादा संख्या में लगे थे कि टहनियों को इसका भार संभालना मुश्किल होगा, हवा का झोंका को बर्दाश्त नहीं कर पाया और जड़ सहित ये नींबू का पेड़ पूरी तरीके से उखड़ कर जमीन दोस्त हो गया। यहाँ से ये जड़ सहित पूरी तरीके से गिर चुका था और वीडियो में अभी आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से इसकी जड़ें बाहर आ चुकी है और पूरा पौधा जमीन में लेट चुका है। दोस्तों, आप समझ सकते हैं इतने ज्यादा संख्या में जिस नींबू के पेड़ पर फल लगा हो तो उसका वजन कितना होगा और वो पूरी तरीके से गिर जाए, इसको वापस से खड़ा करना कितना मुश्किल काम रहा होगा। बहुत मुश्किल से मैं इस पेड़ को वापस खड़ा कर पाया, जो कि आप अभी देख पा रहे हैं कि बिना टहनियों को कुछ नुकसान पहुंचाए इस पेड़ को वापस खड़ा कर दिया और आप इसका रिजल्ट देख पा रहे हैं कि कोई टहनियों को कहीं से नुकसान नहीं पहुंचा है। हालांकि कुछ फल उस वक्त टूट के गिर चुका था, जो कि फल मैच्योर नहीं हुआ था, लेकिन जितने फल बचे थे ये भी इसके लिए काफी था। नींबू की भार की वजह से कई टहनियां टूट गई, लेकिन अभी भी टहनियां मैंने इससे नहीं हटाई है और इस पर भी फल लगे हुए हैं और इसे संभालना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल जरूर हुआ। मैंने बांस लगाकर, डंडे लगाकर और इस तरह से रस्सियों से चारों तरफ से खींचकर नींबू के पौधे को पूरी तरीके से खड़ा करने में कामयाब हो गया। अब अगर मैं चैलेंज की बात करूं तो चैलेंज इसलिए कि नींबू का पौधा या नींबू का पेड़ हर जगह से कटीला होता है और गलती से भी कांटा आपके शरीर पर चुभ जाए तो बहुत तेज दर्द होता है, कहीं से आप इसकी टहनियों को पकड़ नहीं सकते। पकड़ना तो दूर की बात, इस पर जो मैंने रस्सी बांध दी है वो रस्सी बांधना भी इतना मुश्किल काम था कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरे लिए कितना बड़ा चैलेंज रहा होगा। अगर मैं इसकी केयर की बात करूं तो मैं अपने नींबू के पेड़ की बहुत ज्यादा केयर नहीं करता। केयर के नाम पे नीचे से जो नई नई टहनियां निकलती है ग्रीन ग्रीन सी, इसे मैं कट करके हटा लेता हूँ। इसके अलावा ऊपर से बाहरी हिस्सों पर जो टहनियां सूख जाती है या जिस पर कीड़े का अटैक हो जाता है, उसे मैं थोड़े नीचे से कट करके हटा लेता हूँ, जिससे कि ये बीमारी ज्यादा ना फैले। बस इतना सा केयर करता हूँ। अब मैं बात कर रहा हूँ फर्टिलाइजर की। तो ये जो हिस्सा देख रहे हैं आप, इस तरह से जनवरी के महीने में साल में सिर्फ एक बार मैं इस पर फर्टिलाइजर डालता हूँ और वो फर्टिलाइजर भी पूरी तरीके से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करता हूँ। अगर आप इसका डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया हूँ, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करना ना भूले, और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर भी कर दें। जो लोग अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की पेड़ पौधों से जुड़ी जानकारी लेकर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।